Good morning to all of you. Today we will start equation of motion. This is the very important part of the physics, and this equation is only valid for uniformly accelerated motion. The first equation of motion will come from the definition of acceleration. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि accelerated motion कैसे कर रहा है object. तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे diagram बना रखा है, structure है. एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, या कोई मेन है, कोई बॉडीज है, वो एक मूव कर रही है, कहीं पे एग्जिस्ट हो रही है. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वो रेस्ट के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू. क्लियर है? एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? वी. क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां मूव कर रहा है, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है? उसने जो कवर करा है डिस्प्लेसमेंट वो है एस. और t1 टाइम 0 से t2 टाइम हमने t लिया हुआ है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहां से लेंगे? हम एक्सेलरेशन से लेंगे. और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है यहां पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक है, चेंजेस कैसे लेते हैं हम? किसी का भी चेंजेस लेने के लिए हम क्या पुट अप करते हैं? v, मतलब कुछ भी हो उसको हम 2 - 1 करते हैं. ठीक है, तो 2 यहां पे क्या होगा? 2 का मतलब है कि फाइनल चेंजेस कहां था? v माइनस इनिशियल चेंजेस कहां था? u. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकर टू द कवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम टेकर करा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u / t. v माइनस u डिवाइडेड बाय t आपको यहां नाम में दिख रहा होगा, और at इज इक्वल टू t को मैंने यहां ले आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? at इज इक्वल टू v माइनस u. तो v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये आपको ध्यान में रखनी, इसका यूजेस नेक्स्ट 2 इक्वेशंस में जरूर होगा, इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना. बहुत इजी है. आपने देखा सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हमें याद है, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन अगर हमें याद है, तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको याद रखने वाली बात एक ही है, क्योंकि अगर सेकंड आपने कर ली तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, या फिर आप उसे इजीली डेराइव कर सकते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी हमने देखा, हमने पहले जो प्रीवियस क्लासेस है एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, उसमें हमने पढ़ा कि हम कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2. यही होता है, यही निकालते हैं यहां पे. तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है इस मोशन के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए v प्लस u / 2. उसके अलावा हमें पता है एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम. तो मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज कर लिया है. डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई इनटू टाइम. ठीक है, तो ये हमने इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहां पे कवर कर लिया है. तो डिस्टेंस कवर कितनी है यहां पे दिख रहा है आपको? डिस्टेंस कवर है s s दे दिया इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी जो मैंने पुट आउट कर दिया, देखिए यहां पे इसको मैंने यहां पे पुट आउट कर दिया, और टाइम t यहां पे पुट है इसे. तो पुट द वैल्यू. अब हम क्या करेंगे? मुझे आपको पता है s is equal to ut plus half at t square होता है, ये तो आपको पता है. इसे कहां से आएगा, कैसे आएगा? तो आपको यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है यहां पे, कि मुझे यहां पे फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करके यहां पे रखनी पड़ेगी, तभी आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा आपका नेक्स्ट डेरिवेटिव सॉल्यूशन. तो v की वैल्यू जब मैंने v = u + at रखी, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास सामने इक्वेशन आई. तो u + u 2u हो गया यहां पे, at अपनी जगह पे बना हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 बना हुआ है, मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई हुई रहा. इसको मैंने आगे जाके सॉल्व करा तो यहां पे आई, यहां पे आप देख रहे होंगे कि s = 2u / 2 * t कर दिया मैंने इसको क्या करा? इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दिया, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया. इंडिविजुअल डिवाइड करने के बाद मैंने इस t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहां पे ये आ जाती है 2u t / 2 at / 2 * t. आप देखिए यहां से मैंने 2 को 2 कैंसिल आउट कर दिया है, तो ut as it is आ चुका है. इसके अलावा t को मैंने t से मल्टीप्लाई करा तो t स्क्वायर आ गया, a अपनी जगह हाफ
अपनी जगह। तो सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, s is equal to ut plus half at square। Now coming in the third equation of motion। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने सेकंड को अच्छे से सीख लिया है तो थर्ड आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस स्मॉल एक छोटा सा चेंजेस है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा छोटा सा चेंजेस क्या है। सेम एज इट इज एवरेज वेलोसिटी वहां पे भी वही होगी जो यहाँ पे हमने ली सेकंड इक्वेशन में। डिस्टेंस और सेम फॉर्मूला, यहां तक आपको देख लो कुछ नहीं करना, सेम चल रहा है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सेम चल रहा है यहाँ तक। बस हमें याद रखना है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या लाना है, हमें t निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हम t नहीं निकाल सकते क्या, बहुत इजी t निकालना, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत इजी है। t के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a सामने लिखा हुआ है। इस t को मेरे को कहाँ पुट करना है, इस t को मुझे इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब पुट कर दिया तो मेरे पास इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर या इस तरीके का कुछ डेरिवेशन आता है। अभी भी मेरी इक्वेशन पूरी नहीं हुई, सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपको ये दिख रहा होगा v plus u v minus u। इस तरह इसका क्या करेंगे, आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a square minus b square is equal to a plus b a minus b, कुछ ऐसा देखा होगा ना मैथ्स में, सेम। तो इसी तरीके से कुछ बन रहा है, a की जगह b है, u की जगह b है, देख लीजिए आप सेम। तो मैं इन दोनों को मिला के ये लिख सकता हूं, तो क्या मैं इन दोनों को मिला के ये नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मेरी a की जगह है और ये मेरा b की जगह है, रिप्लेस होता है, तो ये क्या हो गया a square minus b square। यहां से मैंने 2as को मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई मोशन की, v square is equal to u square plus 2as। तीन इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेस पे, बहुत बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये तीनों इक्वेशन पुट करना आता है, आपको पता है कहाँ इनिशियल लेना है, कहाँ फाइनल लेना है, कितना डिस्प्लेसमेंट लेना है, कितनी एवरेज वेलोसिटी लेनी है, टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन आपको रिलेशन बता सकती है या बताती है हालांकि इक्वेशन कैसे बताती है रिलेशन, आप देखो तीनों इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रही है, कोरिलेट कर रही है, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम के बीच में। यहां पे सेकंड इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन इन तीनों के बीच में क्या कर रही है, रिलेटेड कर रही है। और थर्ड इक्वेशन में टाइम का कोई रोल नहीं है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन तीनों के बारे में आपको बता रही है। तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान सकते हैं क्योंकि इसका यूजेज आपको मैकेनिक्स में जरूर होगा, क्लियर है। इसके अलावा आपको इन टॉपिक्स में या इसके अदर क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स हो जो आपको हार्ड लग रहा हो सोल्व करने में, थोड़ा हार्ड हो आपके लिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।